हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप यूज़ करके अपने फ्रेंड्स या फिर अपने एनिमीज़ को सरप्राइज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इन वाले ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी रैंक को भी काफ़ी इजीली पुश कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, हमारे जो पहले वाले ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और उस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ से प्रोफाइल वाली जगह पर चले जाना, और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ कोने में सिग्नेचर वाली जगह दिखेगी। सो गाइस, यहाँ पर काफ़ी बंदे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अपने सिग्नेचर वाली जगह को आप यहाँ यूनिक बना सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आप मेरे को अब यहाँ पे ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, जैसे कि अब आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे तीन कोड दिख रहे होंगे अलग अलग गन के नाम के। तो इन कोड को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना, और जैसे आप एक एक कोड को यहाँ पे कॉपी करके अपने सिग्नेचर वाली जगह पे पेस्ट कर लोगे तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिखेगा। और गाइस, वाले जो तीनों कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद आप भी यहाँ सिग्नेचर वाली जगह में यूज़ करके अपने सिग्नेचर वाली जगह को यूनिक बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले वाले कोड को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला सिग्नेचर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और आप भी अपने फ्रेंड को इस वाले सिग्नेचर को दिखा सकते हो और वो भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे AWM वाले कोड को यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट करते हो तो ये वाला सिग्नेचर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है। तो अभी मैं आपको ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सिग्नेचर यूनिक सा लगेगा। और जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो, मेरा सिग्नेचर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है, और इस वाले कोड का यूज़ करके आप भी अपने सिग्नेचर का यूनिक सा बना सकते हो। सो गाइस, आपके वाले ट्रिक यहाँ कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक यहाँ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उस वाली ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी रैंक को काफ़ी इजीली पुश कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ अल्पाइन वाले मैप में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको एक गाड़ी या फिर किसी बाइक की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और गाड़ी या बाइक को लेने के बाद फिर आपको यहाँ स्टेडियम वाली जगह के पास चले जाना है। सो गाइस, जैसे ही आप स्टेडियम के पास आ जाओगे फिर आपको सामने की तरफ एक टंकी मिलेगी। तो टंकी के पास आने के बाद अब आपको अपनी बाइक या कार को कुछ इस तरीके से लगाना है कि जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे तो आप यहाँ आराम से टंकी के ऊपर चढ़ सकोगे। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे लेट जाना है, और जैसे आप यहाँ लेट जाओगे तो आप यहाँ टोटली हाइड हो जाओगे। और गाइस, वाली जो ट्रिक है आप यहाँ किसी भी टंकी के साथ यहाँ कर सकते हो। तो आपको किसी भी टंकी के अंदर जाके लेट जाना है, तो आप यहाँ टोटली हाइड हो जाओगे। और गाइस, आप यहाँ अंदर की तरफ आके दूसरे बंदों को भी काफ़ी आसान से मार सकते हो। और गाइस, इस वाले ट्रिक का यूज़ करके मैंने यहाँ पे पूरे मैच को आराम से निकाल दिया है, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं टोटली हाइड हो चुका हूँ, और यहाँ से मैं काफ़ी आसान से अपने एनिमी को भी किल कर सकता हूँ। सो गाइस, आपके वाले ट्रिक यहाँ कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो इस वाले ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे लैंडमाइन की जरूरत पड़ेगी, और लैंडमाइन को लेने के बाद फिर आपको यहाँ मार्च इलेक्ट्रिक वाली जगह के पास चले जाना है। सो गाइस, मार्च इलेक्ट्रिक के पास आने के बाद आपको सामने की तरफ एक छोटा सा घर दिखेगा, तो आपको यहाँ पे उतर जाना है। उतरने के बाद आपको इस घर के अंदर चले जाना है, और जैसे आप इस घर के अंदर चले जाओगे फिर आपको अपने लैंडमाइन को हाथ में ले लेना है, और लैंडमाइन को हाथ में ले लेने के बाद आपको अपने पास ही लैंडमाइन को लगा लेना है, और लैंडमाइन को लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं लैंडमाइन को अपने पास ही लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक भी डैमेज नहीं हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर एक ग्लिच है जिसका आप यूज़ करके अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो, और आप चाहे आप कितने भी लैंडमाइन लगा लो लेकिन आपको यहाँ पे एक भी डैमेज नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने लैंडमाइन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लगाने के बाद बिल्कुल भी मूव नहीं करना, अगर आप यहाँ पे जरा सा भी हिलोगे तो आपको यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। और आप इस घर के अंदर आने के बाद कहीं पे भी लैंडमाइन को लगा के यहाँ पे खड़े हो सकते हो, और आराम से यहाँ पे कोई भी डैमेज आपको नहीं होगा। सो गाइस, आपके वाले ट्रिक है कैसी लगी, अगर आपके वाले ट्रिक भी यहाँ पसंद आए तो कमेंट करके आप जोर से बताना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने एनिमीज़ को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। सो गाइस, इस वाले ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे वुकोंग या फिर आलोक वाली एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, और जैसे आप इस वाली एबिलिटी को यहाँ पे ले आओगे फिर आप मेरे को आगे जाके फॉलो करना। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ लैंडिंग करने से पहले अपने इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर लेना है, और जैसे आप अपने इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर लोगे फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी जाके लैंड कर लेना है, और जैसे आप कहीं पे भी जाके लैंड कर लोगे फिर आपको मेरे को वहाँ पे फॉलो करना है।
तो गाइस अब आपको यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ अपने इंटरनेट को दोबारा से ऑन कर लेना है। जैसे आप अपने इंटरनेट को यहाँ ऑन कर लोगे फिर आपको अपनी बुकॉन्ग वाली एबिलिटी पे लगातार टैप करते रहना है। और जैसे आप यहाँ टैप करते रहोगे फिर आपको अब यहाँ एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं बुकॉन्ग वाली एबिलिटी के साथ यहाँ नीचे की तरफ लैंड कर रहा हूँ। और जैसे ही आपका एनिमी आपको यहाँ पे बुकॉन्ग वाली एबिलिटी के साथ यहाँ नीचे की तरफ लैंड करते हुए देखेगा वो यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि आप यहाँ नीचे की तरफ कैसे आ रहे हो। और आप इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड को भी दिखा सकते हो और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे वुकॉन्ग वाली एबिलिटी ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रहती, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट को अपने ऑफ कर लिया ताकि मैं इस वाली चीज़ को यहाँ आपको ज़्यादा देर तक दिखा सकूँ। सो गाइस इस वाले ट्रिक यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी लगती है और इस वाले ट्रिक को आप यहाँ किसी भी मैप के अंदर कर सकते हो। सो गाइस इस बार मैं आपको वाले ट्रिक यहाँ बरमूडा वाले मैप के अंदर करके दिखाता हूँ। तो फिर से आपको यहाँ पे सेम स्टेप फॉलो करना है, तो आपको फिर से यहाँ पे लैंड कर लेना। लैंड करने के बाद फिर से आपको अपने इंटरनेट को यहाँ पे ऑन कर लेना है। और जैसे आप अपने इंटरनेट को यहाँ पे ऑन कर लोगे फिर आपको अपने वुकॉन्ग वाली एबिलिटी पे टैप करते रहना है। और जैसे आप यहाँ टैप करते रहोगे फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आप यहाँ इस वाले ट्रिक को यहाँ किसी मैप के अंदर कर सकते हो और आपकी वाले ट्रिक काफ़ी आसानी से काम कर जाएगी। और गाइस अगर आप इस वाले ट्रिक को यहाँ आलोक के साथ करोगे तो आपके आलोक भी यहाँ काफ़ी अमेजिंग सा लगता है। तो इस टाइम मेरे पे आलोक नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ सिर्फ वुकॉन्ग वाली एबिलिटी के साथ ही दिखा सकता हूँ। सो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई सारे ट्रिक्स आपको यहाँ कैसी लगी, अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।